प्रश्न क्रमांक 5 है ये, तो इसमें एक स्तंभ यानी खंभा दिया है और खंभे की ऊंचाई 3.5 मीटर है और व्यास दिया 50 सेंटीमीटर, तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या ये 25 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इसे मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देंगे तो 0.25 मीटर होगी। अब इसमें पेंट कराने की जो दर है प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर में 12.5 रुपये व्यय होते हैं, तो ज्ञात करना है कि पेंट कराने का कुल व्यय कितना हुआ। तो पूरे पोल में, पूरे खंभे में, स्तंभ में पेंट करेंगे तो बार बार होगा सब, तो इसका मतलब है कि वक्रपृष्ठी क्षेत्रफल, तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना वर्ग मीटर है, फिर एक वर्ग मीटर में इतना व्यय होता है तो जितना वर्ग मीटर है उसमें कितना व्यय होगा उसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, आंसर होगा। सरल प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो स्तंभ का वक्रपृष्ठी क्षेत्रफल, स्तंभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, स्तंभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र 2πRH, 2π 22/7 गुणा आर 0.25 गुणा एच 3.5 3.5 सात से कटेंगे 0.5 बार, इनका गुणा करेंगे 22 × 44 गुणा 25 × 5 = 125 0.1253 अंक बाद लगेगा। अब इनका गुणा करेंगे 44 × 125 में, तो 0.125 × 44 जीरो, 4×5 = 20 की 0, 2 हासिल, 4×2 = 8 10 = 0 हासिल, 1 × 4 = 4 और 1 = 5 0 0 5 है तो सेम 0.3 अंक हैं, तो यहाँ तो 5.5 जीरो हटा देंगे, वर्ग ये मीटर में आए। अब पेंट कराने का कुल व्यय, पेंट कराने का व्यय बराबर तो दर और गुणा क्षेत्रफल, तो प्रति मीटर दर, प्रति वर्ग मीटर दर गुणा क्षेत्रफल बराबर कितना है प्रति वर्ग मीटर 12.50, 5 कर दो गुणा 5.5, इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा करेंगे 12.5 × 5.5 25 × 5 हासिल 2 × 5 = 10 2 × 12 = 2 हासिल 1 × 5 = 5 = 600 25 × 5 = 2 6 5 × 2 = 7 6 × 2 = 8 6 दशमलव के बाद 2 अंक तो 68.75 रुपये ये हुआ आंसर। अब इनको नोट करो।